स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा अध्यक्ष ने सौंपी दीपावली का उपहार तो भाविक हुए कर्मचारी। संत कबीर नगर जिले के नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा अध्यक्ष रिंकू मणि व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने कर्मचारियों सहित करीब 250 कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। कहा जाता है खुशियां मिल बांटकर मनाने चाहिए और गम में हिस्सेदारी लेना चाहिए। इसी अवसर पर देखा गया तो दीपावली के शुभ पर्व पर नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने अपने कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को मिष्ठान। नगर पंचायत कार्यालय के बगल में बने टीन शेड में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से भरी कुर्सियों में से जब एक एक नाम बुलाकर और बर्तन तथा अंग वस्त्र वितरित कर लोगों को यह संदेश दिया कि जनता के सुख और दुख में बराबर की हिस्सेदारी है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने माला पहनाकर मिष्ठान बर्तन और अंग वस्त्र दिया तो कर्मचारी भाविक हो गए। ऐसे लोग प्रिय जनप्रिय के हाथों दीपावली की भेंट पाकर कर्मचारियों में यह चर्चा रहा कि अगर हौसले बुलंद हो तो इस दुनिया में किसी भी का त्यौहार फीका नहीं रहेगा। इस मौके पर देखा गया तो भाजपा के विशिष्ट नेता पवन शर्मा, जिला महामंत्री गणेश पांडे, जिला उपाध्यक्ष अमर राय, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पांडे, प्रदीप बगरहरी, साधु यादव, महुली मंडल अध्यक्ष राजू गुप्ता सहित काफी लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट वीरू गुप्ता, धनघटा, संत कबीर नगर। जिस पर्व के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कल दीपावली है, आज मिठाई खाने खिलाने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे परिवार के जो नगर पंचायत परिवार है, इतना बड़ा परिवार शायद एकत्रित पूरे जिले में कहीं नहीं होता होगा। हमें आप लोगों पर गर्व है। आप लोगों के ही भरोसे हमारी नगर पंचायत का नाम पूरे प्रदेश में हो, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से नगर पंचायत के विकास में अपना अहम योगदान दें। हमारे सभी नगर पंचायत के कर्मचारी बंधु, सामने खड़े हमारे नगर पंचायत के जो ऑफिस के कर्मचारी बंधु हैं, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए, कल दीपावली है उसी की शुभकामना देने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा क्योंकि कल त्योहार है और कल छुट्टी भी रहेगा आप लोगों का। छुट्टी तो आज भी रहना चाहिए था, लेकिन यू साहब से हमने बात किया, कहा नहीं आज काम हो जाने दीजिए, कल छुट्टी रहे, तो चलिए ठीक है, आज कार्यक्रम का जल्दी से समापन किया जाए क्योंकि आप लोग भी त्योहार के लिए घर पर जाकर तैयारी भी करेंगे। सम्मानित साथियों, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लिया जाएगा, केवल एक निवेदन के साथ अपनी बात हम समाप्त करेंगे। सम्मानित साथियों, हर व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। मुझे देख रहे हैं, मैं अपने यदि यहां का जनता जनार्दन मुझे जनप्रतिनिधि चुना है तो हम चाह रहे हैं, हमारी मंशा है कि समाज में ऐसा कोई काम किया जाए, हमेशा रोज किया जाए, रोज सीखने की जरूरत है, रोज करने की जरूरत है कि जनता यह समझे कि जिसको हमने चुना है वह वाकई अच्छा है, जो फैसला लिया गया है वह वाकई अच्छा है, उसी को अच्छा बनाने के लिए हम लोग दिन रात एक काम कर दिन रात लगकर काम करने का बीड़ा उठा रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों की भी जो भी जिम्मेदारी है, जो भी दायित्व या तो कार्यालय सौंपा है या तो खुद अपने आप में जिम्मेदार हैं, आप लोगों के अपने दायित्वों का हमेशा निर्वहन करने के लिए एकजुट रहना चाहिए। हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हमें कर्मचारी नियुक्त किया गया है तो हमारी भूमिका क्या होना चाहिए। खा पी कर केवल सोना चाहते हैं तो सोइए, वहीं तक आप सीमित रहेंगे। एक सफाई कर्मचारी, एक छोटा कर्मचारी चपरासी भी आज मोदी जी के मन में है। ऐसा नहीं है कि नीलमणि अध्यक्ष हैं या प्रतिनिधि हैं यही केवल वहां जा सकते हैं। आप अपने कामों के बदौलत बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हर व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। प्रयास तो करना ही चाहिए, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन प्रयास करने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः आप सभी मातृशक्तियों, सामने बैठे सभी भाइयों,
बूढ़े बुजुर्गों सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मंच पर बैठे सभी हमारे नेतागण जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, बैठे हमारे परिवार के सभी सभासदगण, सभी लोगों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज यहां पर एकत्रित हुए सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।